जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना, जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता और प्राण सम्मान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए, तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पदयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पदयात्रा आए महाराष्ट्र में, इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो में दो प्रदेश में सरकार बनाए, अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर, लोकसभा में खुद कूद कर, लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है, हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका, फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है, नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है, भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रदानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, माँ को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए
कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन हम लोग देश के लिए देने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो, कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं। सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।